अस्सलाम वालेकुम फ़्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे तो जी आज मैं दो हफ़्ते के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ मसरूफ़ीत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल मुहर्रम की जो है ना हलीम की रेसिपी शेयर करूँगी ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जल्दी व उनका तैयार होगी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबसे पहले हम यहाँ पर दालें निकाल लेते हैं एक कप मैंने जो है ना यहाँ पर चने की दाल ली है हाफ़ कप मैंने यहाँ पर मूँग दाल ली है उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो लिए हैं मैंने गंदम हाफ़ कप अच्छा मैरमेंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है थीके? माश की दाल है यहाँ पे हाफ कप मैंने इस्तेमाल की है ठीक है सारी दालें आपने इसी तरह से जो है ना वो अच्छी तरह साफ करके और आप चाहें तो सेपरेटली भी भिगो भी सकते हैं नहीं तो आप कंबाइन करके इनको भिगो सकते हैं ठीक है साथ ही मैंने यहाँ पर जो है ना वो मसूर की दाल ली है हाफ कप और हाफ़ कप ही यहाँ पर मैंने चावलों का इस्तेमाल किया है ठीक है अच्छा यहाँ पर आप चाहें तो जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने नहीं इस्तेमाल किए मुझे पर्सनली उनका टेस्ट कुछ इतना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए हैं अगर चाहे चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है थीके? सारी दालों को आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है उनको वॉश कर लेना है दो तीन पानी से आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश करके और इनको दो घंटे के लिए भिगो के रख देना है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है ना इनको भिगोना है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम जो है ना वो अपना कौरमा तैयार कर लेते हैं एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल किया है उसके बाद यहाँ पे मैं एक बड़ा जो है ना वो प्याज ऐड कर दूँगी बेग बेग स्लाइसिस में काट कर ठीक है जब ये अच्छा सा थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होने लगे तो इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर एक अहम बात आपने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर लेना प्याज़ों को नहीं तो ना कौरमे का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और हलीम का कलर अच्छा नहीं आएगा ठीक है खड़े मसालों में मैंने यहाँ एक बड़ी इलायची लौंग और तेज़पात ऐड किया है ठीक है वो ऐड करके आपने साथ ही चिकन ऐड कर देना है अच्छा यहाँ पर आप लोग बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने हड्डी वाला इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे जो है ना वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है ठीक है अगर आप चाहें तो आप जो है ना वो बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं कलर चेंज होने तक चिकन को फ्राई करेंगे और उसके बाद एक टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लहसन अदरक का पेशा मिलकर दिया है इसके साथ भी चिकन को अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए ठीक है बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है ये हलीम ट्राई करने के बाद आप इन जो है ना वो देख के हलीम भूल जाएंगे ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है मसाले ऐड कर लेते हैं जिसमें मैंने वन टेबल स्पून जो है ना वो नमक ऐड किया है वन टी स्पून जो है ना मैंने यहाँ पर जो लाल मिर्चों का ऐड किया है थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड की है ठीक है बस यही मसाले जाएँगे और थोड़े से मसाले और जाएंगे वो लास्ट पर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमने क्या ऐड करना है इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ठीक है बीच बीच में काफ़ी मसाले ऐड होते रहते हैं अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो जो है ना वो आप मिस कर देंगे ठीक है इसलिए आपने उसको मिस नहीं करना ठीक है थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि मसाले नीचे जले ना और अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्राई हो जाए ठीक है कि जितनी अच्छी बनाई होगी ना आपका कौरमा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आपकी हलीम का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा ठीक है थीके? अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना वो फ्राई करना है ताकि प्याज भी आपके थोड़े सॉफ्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना वो धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है थोड़ा सा इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ठीक है ज़ीरा का फ्लेवर मुझे इतना इसमें पसंद नहीं आता लेकिन अगर आप पाउडर बना के डालेंगे तो उसमें जो है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ठीक है थी? आ, अच्छा इस अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है उसके बाद आपने यहाँ पे टमाटर डाल देने हैं टमाटर मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का जो है ना वो चॉप करके डाल दिया है मोटा मोटा ठीक है अगर आप चाहें तो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर जी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको कवर दे हम पकाएँगे ताकि चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और हमारे टमाटर भी जो है न वो बहुत अच्छे से गल जाए ठीक ठीक है पहले आपने टमाटरों की ना भुनाई करनी है अच्छे तरीके से इसका सारा पानी सौख करना है उसके बाद आपने जो है ना इसमें पानी ऐड कर देना है यहाँ पर मैंने वन कप जो है ना पानी का ऐड किया है क्योंकि चिकन हमने फ्राई किया था काफ़ी हद तक वो टेंडर हो चुका है और एक कप इसके लिए काफ़ी होगा उसके बाद यहाँ पे मेरे दालों को जो है ना वो दो घंटे हो चुके थे यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में पानी ऐड करूँगी जितना हमें चाहिए ठीक है यहाँ पे मैं हाफ़ जग इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन चार गिलास उसके बाद यहाँ पे सारी दालें जो है ना वो मैंने अच्छे तरीके से दोबारा वॉश करके इसमें ऐड कर दी हैं और इस

रेडी हो चुकी है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे उसके बाद जो खड़े मसाले हमने ऐड किया था वो हम निकाल के साइड पर कर देंगे और अपनी बोटियाँ भी निकाल के हम साइड पर कर लेंगे ताकि इनकी जो है ना वो हड्डी लादा कर दें और इसकी जो है ना शेयर्स बना के वो ऐड कर लें हमने ठीक है यहाँ पर जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे वो भी मैं यहाँ पर जो है ना वो सेपरेट कर दूँगी क्योंकि ये जब मुँह में आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे ये इसका जो फ्लेवर था वो सारा इस ग्रेवी में आ चुका है अब इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है इसलिए आपने इनको निकाल देना है ठीक है यहाँ पर देखिए जी चिकन को मैंने जो है ना अच्छे तरीके से शेड कर लिया है हड्डी हमने सारी निकाल के फेंक दी है ठीक है आपने भी इसी तरह करना है अगर आप लोग बोनलेस इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं आप सिंपली इसको जो है ना किसी भी मैशर की मदद से इसी कढ़ाई में इसको जो है ना वो मैश कर सकते हैं यहाँ पर देखिए जी दालों को भी हमारे पंद्रह से बीस मिनट हो चुके हैं अच्छे तरीके से ये जो है ना वो ये देखिए जी कुक हो चुकी हैं यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊँगी अगर एक तरीका यह है कि आप जो है ना किसी भी घोटने की मदद से इसको जो है ना इसी प्रेशर कुकर में जो है ना कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पसंद तरीका तो आप इसको जो है ना सिंपली ग्राइंड भी कर सकते हैं ठीक है दाल को आपने जो है ना वो किसी भी जूसर वाले जग में डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है यहाँ पर मैंने ग्राइंड किया था दाल को दाल को ग्राइंड करके यहाँ पर मैंने जो है ना वो सिंपली अपने कौरमे में ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ठीक है यहाँ पे दाल हमारी जो है ना हम पाँच से दस मिनट के लिए इसको जो है ना लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि कौरमे में अच्छा सा जो है ना वो दाल मिक्स हो जाए और इसका जो है ना सारा फ्लेवर जो है ना वो दाल में मिक्स हो जाए ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार हम हलीम हमारी रेडी हुई थी साथ ही हम हलीम के लिए जो है ना तड़का रेडी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है यहाँ पर मैंने जो है ना वो दो बड़े साइज के प्याज जो है ना बरीक बरीक काट के ऐड किए हैं अच्छे तरीके से आपने ब्रिक बरीक कर लेना है और उनको फ्राई करना है ठीक है सिंपली आप इसका जो है ना वो बरिस्ता तैयार करना है बरिस्ता क्या होता है बरिस्ता जो है ना ऑयल में प्याजों को अच्छे तरीके से जो गोल्डन फ्राई किया जाता है ना उसको बरिस्ता कहते हैं ठीक है, है? हलीम में बरिस्ता बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है तो आपने ये वाला पार्ट स्किप नहीं करना आपने तड़का लाजमी लगाना है प्याजों का ठीक है अच्छे तरीके से प्याजों को आपने गोल्डन फ्राई करना है थोड़े से प्याज में यहाँ पर जो है ना रिमूव कर लूँगी क्योंकि मैंने जो है ना इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख लूँगी और बाकी जो है ना मैं हलीम में इसका तड़का लगा दूँगी इसका तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आपने तड़का लाजमी लगाना है यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो तड़का भी रेडी हो गया है तड़का भी हमने हलीम में लगा दिया लुक देखें कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है और बहुत ही मज़ेदार सी दिघी हलीम हमारी बनकर तैयार हुई है लास्ट पर मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसका फ़्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं ठीक है काली मिर्ची ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए आप इसको कुक करेंगे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना अच्छा काली मिर्चें मैंने लास्ट पर इसलिए ऐड की हैं क्योंकि काली मिर्चों से जो है ना वो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है इसलिए मैंने लास्ट पर ऐड की हैं ठीक है आपने भी लास्ट पर ऐड करनी है पहले ऐड करेंगे तो आपकी जो है ना हलीम का कलर अच्छा नहीं आएगा ये देखिए माशाला से बहुत ही मज़ेदार से हमारी हलीम बंद कर तैयार हो चुकी है लास्ट पर हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और बहुत ही टेस्टी हलीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है इनशाला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर मिलता है एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला हाफिज़